लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं का जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है। जनता के बीच नेता जाकर अपनी बात रख रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुशील गुप्ता भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को वह शाहबाद मंडी पहुँचे, जहाँ उन्होंने व्यापारियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान सुशील गुप्ता का एक अलग रूप देखने को मिला। उन्होंने वहाँ मौजूद व्यापारियों और कार्यकर्ताओं के लिए चाय बनाई और फिर चाय की चुस्कियों के साथ कई गंभीर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा भी की। इस चर्चा के दौरान उन्होंने व्यापारियों को अच्छी सुविधा कैसे मिले, इस पर भी विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने व्यापारियों और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि यह समय जागते रहने का है। साथ ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों से अपील की कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी की योगदान की जरूरत है। पिछले ही दिनों सुशील गुप्ता ने किसानों से भी मुलाकात की थी। इस दौरान किसानों ने उनके पक्ष में नारेबाजी भी की थी। उस मौके पर सुशील गुप्ता ने कहा कि वो भी किसान हैं, इसलिए वो किसानों का दर्द समझ सकते हैं। गौरतलब है कि सुशील गुप्ता चुनावी सभा में अपने विपक्षी प्रत्याशियों पर जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। बता दें, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होना है। इस सीट पर इंडिया ब्लॉक से सुशील गुप्ता, भाजपा से नवीन जिंदल और INLD से अभय चौटाला आमने सामने हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार समीकरण बदला नजर आ रहा है। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के धुआंधार प्रचार अभियान ने राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया है।